बात कहना चाहूं भाई, एक कमेटी बना लो हर एक गांव में, इन मुसलमानों को बहिष्कार कर दो, गांव में पढ़न मत दो और इन्हें बाहर भजाओ। अरे एक सबसे बड़ी बात है, 50,000 रुपया को फोन छोड़ के ना 10-20 हजार को हथियार अपनी जेब में रखा करो, फोन ना छोड़ दो, फोन रक्षा नहीं कर सके तुम्हारी, जब धर्म युद्ध होगा तो हथियार रक्षा करेगो, फोन ना बिल्कुल छोड़ दो, फोन का बिना हेलो कर लेगा। और भाई अपने गांव में कमेटी बना दो, बाल कटवाना बंद कर दो। अरे यहाँ मैं सच बता दूं, बुरी लाग जाओगी थोड़ी सी, पूरा हमारा भाई जितने बैठे हैं जिनके किराएदार है, आज ये बता दो, पहले भी किराया नहीं करता, भूखा नहीं मरा करता, लेकिन आज ही बता दो भाई, खाली कर दे। अरे यार ना सरकार कर सके ना कुछ कर सका, लेकिन मारो समाज, मारो गांव, मारो इलाको या बात कर सके, कोई कानून प्रक्रिया नहीं चीज पे। हम चाहो हमारा गांव में वो आदमी रहेगो, जो नहीं चाहो वो नहीं रहेगो। उदयपुर में कन्हैयालाल व महाराष्ट्र में उमेश कोले की हत्या के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रविवार को मानेसर के बाबा भीष्मदास मंदिर में हुई पंचायत में जिहादियों को मानेसर से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। महापंचायत में पुलिस व प्रशासन को भी अल्टीमेटम दिया गया है कि वो मानेसर में किराए पर रह रहे लोगों समेत दुकान खोलकर बैठे अथवा रेडी से फेरी लगाने वालों की पहचान करें। एक सप्ताह में यदि पुलिस व प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो हिंदू समाज सड़कों पर उतर आएगा। पंचायत में आए लोगों के मन में उदयपुर में निर्मम हत्या करने वाले दोनों आरोपियों के लिए गुस्सा दिखाई दिया। लोगों ने कहा कि ऐसे दरिंदों को फांसी देने के नाम पर राजनीति की जाएगी, इससे अच्छा यही है कि इन्हें इनकी भाषा में जवाब देकर इनके सिर कलम किए जाएं अथवा इन्हें ऐसी मौत दी जाए कि इन तरह के कृत्य करने वाले जिहादियों के मन में डर पैदा हो। देखिए पिछले दिनों जो जयपुर में घटना हुई उसको लेकर हिंदू लोगों में उबाड़ है, उसी के निमित्त ये पंचायत रखी गई थी। मानेसर क्षेत्र में, मानेसर क्षेत्र के साथ साथ मैं कहूँ कि गुड़गांव क्षेत्र में इन लोगों का, जो वही लोग हैं उन लोगों का आर्थिक बहिष्कार करने का निर्णय आज यहाँ से लिया गया है और सरकार को भी 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। DC के नाम ज्ञापन जो लिखा है उसमें कि 7 दिन के अंदर ऐसे बैड एलिमेंट्स जो लोग हैं उनकी पहचान करें, उनको गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और हमारे क्षेत्र में एक कंपनी है हमदर्द जिसमें केवल मुस्लिमों को नौकरी देने का जो है उन्होंने तय कर रखा है, तो आने वाले समय में 50% हमारे लोगों को अगर नौकरी नहीं दी तो उस कंपनी को भी चलने नहीं दिया जाएगा। और आने वाले एक सप्ताह बाद अगर सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तो इससे भी बड़ी पंचायत होगी। हम लोग आज से ही गांव-गांव में अपनी कमेटियां बनाने में लग गए हैं। पंचायत में ये भी फैसला लिया गया है कि मुस्लिम समाज का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा, ना तो उनसे कोई सामान खरीदा जाएगा और ना ही उन्हें मकान किराए पर दिया जाएगा। आर्थिक रूप से इनकी कमर तोड़ी जाएगी तो ही ये क्षेत्र छोड़कर भागने को विवश हो जाएंगे। मानेसर से मुस्लिम समाज का बायकॉट करने की शुरुआत रविवार से कर दी गई। पंचायत के एक व्यक्ति ने इसकी शुरुआत करके अपने घर में रह रहे 6 मुस्लिम परिवारों से मकान खाली करने का ऐलान कर दिया। जिहाद और कत्ल